अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रो इंजीनियर्स फोरम। आज मैं आपको बताता चलूँ कि जो कंक्रीट का क्यूरिंग टाइम पूरा हो जाए स्लेब का 14 डेज या 28 डेज, तो फिर उसकी ये फार्मर खोलते हैं। ये हमारे पास आप देख ले, ये बीमू की पामर खुली हुई है और माशाल्लाह से इसकी जो सरफेस है वो भी बेहतरीन है। फिर इसके बाद ये छत्ती खोलेंगे ऐसा ऐसा, और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये हाई राइज बिल्डिंग है 24 मंजिला। ये नीचे पार्किंग है, ये वाली ये सारी जो है ना नीचे पार्किंग है। और ये मैं आपको दिखाते चलूँ, ये लिफ्ट है, लिफ्टों की जो फिट है वो है ये अभी। ये मैं आपको दिखाते चलूँ, ये लिफ्ट है, लिफ्टों की फिट बनी हुई है। फिर इसमें जो है ना लिफ्ट जो है ना फिट करेंगे। ये एक कार्गो लिफ्ट है इसमें, और ये तीन जो है ना पेडेस्ट्रियन लिफ्ट है, ठीक है। ये फिर हमारे साथ इधर शेरवाल आ जाती है, ये शेरवाल में फिर हमारी आप देख रहे स्टीयर लैबी है, स्टीयर लैबी। तो ये इसकी कुछ प्री मार्किंग हुई है, फिर इसके बाद इसकी जो ये प्री मार्किंग है इस पर फॉर्मवर्क लगा के स्टेयर बना लेंगे, उसकी लर्निंग ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये कुछ स्लेब का कुछ पोर्शन खोला है, तो देख ले माशाल्लाह से बिल्कुल कोई हनी कम्बिंग या कोई स्टील या कोई इस तरह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपने पहले से इसका ख्याल रखना है कि इसकी जो कंक्रीट कवर है वो आप तसल्ली से लगा लें अच्छी तरह से, तो आपके पास फिर ये मसले मसायल नहीं बनते। तो ये कुछ हमारा टावर जो बन रहा है रेजिडेंशियल, उसकी टावर टू कहते हम इसको, इसकी कुछ ये डिटेल है। तो मज़ीद भी मैं आपको इस तरह वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम बाय टाइम